Hi guys, this is Aishi जोशी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन अचीव आई एस. विश यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली बेसिस पर आपके लिए द हिंदू का जो है डेली एनालिसिस लेकर आती हूँ. एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं. तो उसी कड़ी में दिस इज़ 22 अप्रैल एंड इट्स वेंसडे. एज वी ऑल नो कि लॉकडाउन का सेकेंड फेज चल रहा है और उसी के दौरान आज हम 2 अप्रैल 2020 की न्यूज़ एनालिसिस करेंगे. द हिंदू जो कि सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. तो जो कंटेंट रहेगा आज का हमारा, जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा ICMR आस्क टेस्ट टू स्टॉप. ICMR ने अभी फ़िलहाल 2 दिन के लिए, नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए इस टेस्ट को स्टॉप कर दिया है. क्या रीज़न है वो देखेंगे हम. उसके अलावा सेकेंड टॉपिक रहेगा फ्री राशन फॉर डेली हाफ डेली. थर्ड वन इज गहलोत टेक्स अ पैकेज इशू विथ सेंटर. गहलोत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अशोक गहलोत सर जो कि राजस्थान के CM हैं, उन्होंने अभी फ़िलहाल जो है पैकेजेस इशू करवाने के लिए कहा है सेंटर से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट रहेगा चाइल्ड अब्यूज़ कंप्लेंट्स राइज. फिफ्थ रहेगा नॉन एसेंशियल कैन वेट. Then 6th one is fiscal empowerment, the key strategy, and 7th one will be future shocks. Okay, so ये सारा content रहेगा आज का हमारा. इसके अलावा जो important, जो आज ये जिसके लिए important है या target audience है वो है UPSC aspirants. ठीक है, उनके लिए चाहे prelims ले लो चाहे mains ले लो, दोनों ही aspect से द हिंदू किसी ना किसी वे में important हो जाता है. ठीक है, so हमारा जो covered area होगा आज के newspaper का वो रहेगा fiscal policy, जिसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी पढ़ेंगे हम लोग. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो इनिशिएट कर रही है वो पढ़ेंगे. इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स जो भी हो रहे हैं COVID-19 के, जो कि अनसीन हैं अभी तक, तो वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और COVID-19 से रिलेटेड अपडेट्स देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज की स्ट्रैटेजी रहेगी. आज का जो हमारा एनालिसिस रहेगा वो इस पर बेस्ड होगा. ठीक है, सो इट्स मी आयशी जोशी. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए आपने, और बहुत अच्छा आप मेरे साथ में जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका. और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से इवन और बेटरमेंट के साथ में मैं आपको मटीरियल या एजुकेशनल स्टफ़ प्रोवाइड करवा सकूँ. जितना पॉसिबल होगा आई विल बी देयर विथ यू एंड डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट स्टफ़ एवर. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस. सो आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है, देखिए वो है ICMR आस्क टेस्ट टू स्टॉप यूजिंग रैपिड टेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 डेज. देखिए ICMR द्वारा ये घोषणा की गई है, ये सभी स्टेट्स को कहा गया है कि अभी नेक्स्ट 2 डेज के लिए आप रैपिड टेस्ट जो हो रहे हैं उन्हें स्टॉप कर दीजिए. ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ट्यूसडे को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ICMR को कि हमारे यहाँ पे जो है इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं. हमने जो टेस्टिंग की है उसमें प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं हमें. तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसी कारण ICMR ने इसी के चलते स्टेट्स के जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं उनको नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए एट प्रेजेंट स्टॉप कर दिया है. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे वो रहेगा वी विल बी प्रोवाइडिंग फ्री राशन टू नियरली हाफ ऑफ दिल्ली. दिस इज सेड बाय द CM ऑफ दिल्ली, दैट इज़ केजरीवाल. ऐसा केजरीवाल जी द्वारा कहा गया है कि हम अपनी दिल्ली का हाफ दिल्ली का अप्रॉक्स राशन जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे. ऐसा जो है इसके लिए MLAs और MPs जो है उनको 2000 फूड कूपन्स दिए गए हैं जो कि नियर एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें. ठीक है, तो ये भी एक इनिशिएटिव है. हाफ अगर हम बात करें तो 30 लाख से देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली की, उसको देखते हुए ये इनिशिएटिव एक कहीं ना कहीं जो है एक रिलीफ प्रोवाइड करेगा वहाँ की आम जनता को. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है गहलोत टेक्स अ पैकेज इशू विथ सेंटर. गहलोत, अशोक गहलोत जी जो कि CM है कहाँ के, राजस्थान के, तो उनका ये इनिशिएटिव रहा है. उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास में फिनेंशियल कंडीशन जो है वो ऐसी नहीं है कि हम और ज़्यादा लोगों को लॉकडाउन के दौरान प्रोवाइड करवा फैसिलिटीज़ या पैकेज प्रोवाइड करवा सकें. इसलिए उन्होंने सेंटर से कहा है कि आप इस बारे में कोई स्टेप लीजिए जिससे कि हम जो है आगे
इस बारे में प्रोसीड कर सकें और लॉकडाउन के दौरान लोगों को और प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। ऐसी डिमांड जो है वो यहाँ पे जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत जी, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ली गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूरे न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे तो मैक्सिमम केसेस लॉकडाउन और कोविड-19 से रिलेटेड हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस आर इफेक्टेड विद दीज ओनली। अगर इन दिनों बात करें तो मैक्सिमम केसेस इन्हीं से प्रभावित है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। चाइल्ड अब्यूज़ कंप्लेंट्स राइज ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड अब्यूज़ की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 25 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में कर्नाटका में 37 रिपोर्ट्स जो है, कॉल रिपोर्ट्स दर्ज करवाई गई है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। सो हुआ क्या है, अब इसको देखिए, इसका एक रीज़न है क्यों हुआ ऐसा। देखिए चाइल्ड अब्यूज़, अच्छा लॉकडाउन का चाइल्ड अब्यूज़ से क्या लेना देना, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए क्या होता है कि हमेशा कुछ फैमिलीज़ में कुछ कुछ फिनेंशियल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, और क्योंकि इलिटरेसी या हम कह सकते हैं लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते कई फैमिलीज़ द्वारा ये कोशिश की जाती है कि इस दौरान हम लोग जो है अपनी कुछ इश्यूज़ को कम करने के लिए कुछ नए इश्यूज़ क्रिएट कर दें, जैसा कि चाइल्ड मैरिज हो गया। तो जो गरीब परिवार के लोग हैं या जो गरीब फादर्स हैं या फैमिलीज़ हैं, दे वर लाइक वी हैव टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स आर चाइल्ड और आर गर्ल्स स्टडी और एजुकेशन से बेटर है कि हम उसको मैरिज कर दें उसकी, जिससे कि हमारा फाइनेंशियल बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे कई सारे ये मैंने अपने लोकल एरियाज़ में देखे हैं ऐसे इश्यूज़ और ऐसे एक्सक्यूजेस। सो मैं कह सकती हूँ कि इस तरह के कुछ अनसीन रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी हद तक सही नहीं है, है ना। हाँ ठीक है, लॉकडाउन के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, इवन एक दो को नहीं काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए, कुछ चीज़ों से बचने के लिए कुछ चीज़ों को का बलिदान देना होता है, कुछ चीज़ों को, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है एक अच्छे टाइम के लिए, है ना। सो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको लेके अवेयर होना होगा और उनको देखना होगा कि कहीं ऐसे केसेस और ज़्यादा ना बढ़े और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जो कि लॉकडाउन से भी ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर ले, है ना। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो नॉन एसेंशियल कांट वेट। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, रिसेंट एक गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि हम अभी एट प्रेजेंट ई कॉमर्स साइट्स को भी ओपन कर रहे हैं फॉर एसेंशियल सर्विसेज, है ना। ये सेंटर का लास्ट मिनट का जो है डिसीजन रहा है। इसके अलावा नॉन एसेंशियल जो आइटम्स है उनको भी टू रिज्यूम डिलीवरीज ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स एज पार्ट ऑफ एन ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन कर्व्स इज़ वेलकम, गिवन दैट इंडिया इज स्टिल आउट ऑफ द वुड्स इन इट्स पेंडेमिक फाइट। नॉन एसेंशियल आइटम्स को भी रिज्यूम करने की जो है अनुमति दे दी गई है सरकार द्वारा। तो क्यों? क्योंकि हम अभी भी इस पेंडेमिक की जो जंग है उससे बाहर नहीं आए हैं, लेकिन स्टिल वी आर नॉट इन दैट कंडीशन जिस कंडीशन में अदर जो कंट्रीज़ है, जैसे चाइना, US या अदर हम कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़, तो हम उस कंडीशन में नहीं। उसके चलते अगर हम देखें तो ये एक बहुत गलत कदम भी नहीं है सरकार द्वारा उठाया हुआ, है ना। तो वी कैन वेलकम दिस टाइप ऑफ डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट। सो ऑन संडे होम मिनिस्टर डायरेक्टेड स्टेट्स टू इंश्योर दैट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स यूज बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग नॉन एसेंशियल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज़। जो एडिशनल एक्टिविटीज़ है उसमें से नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो ट्रांसपोर्टिंग होगी उसके लिए जो व्हीकल्स चलेंगे उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है लिस्ट से, ठीक है। एंड दैट वुड बी अलाउड फ्रॉम 20th अप्रैल। अब उसे 20 अप्रैल से जारी किया जाएगा। पहले जिसे एक्सक्लूड किया गया था अब उसे 20 अप्रैल से जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ हार्डशिप रखी गई है, कुछ स्ट्रिक्ट नियम्स रखे गए हैं। उन नियमों को जो है फॉलो करते हुए या उनका अनुपालन करते हुए जो है ई कॉमर्स साइट्स जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी सर्विस प्रोवाइड करवा सकती हैं। जबकि मिनिस्ट्री गेव नो रीज़न फॉर यू टर्न, इट्स यू टर्न, इट वुड अपीयर वाइजर काउंसिल प्रिवेल आफ्टर सम
अपोजिशन पार्टीज एंड द रिटेल ट्रेड हैड रेज द इशू ऑफ अ लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ ब्रिक्स एंड मोटर रिटेलर्स. ऑल्सो दो इट इज True that the online purchase of a product and its doorstep delivery by an e-commerce firm minimizes human interaction to a negligible level unlike a purchase in a store. अब हुआ क्या है कि ई कॉमर्स ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये हिदायत दी है कि भाई हमें अगर नॉन एसेंशियल सर्विसेज की नीड है तो हमें उसको स्टार्ट करना होगा. इसको स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, जिससे कि लोकल शॉप्स पे, लोकल मार्केट्स में ज़्यादा जो है ह्यूमंस इंटरेक्ट ना कर पाएँ. क्योंकि देखिए ई कॉमर्स साइट्स में जो है शॉपर है वो अपने घर पे बैठा है, जो शॉपिंग कर रहा है, जो पर्सन परचेज कर रहा है वो घर पे, उसे सोशल इंटरेक्शंस की नीड नहीं है, उसे बस वन क्लिक ऑर्डर्स करने हैं. जो कंपनी है वो उसे प्रोवाइड करवाएगी विथ दी हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी. सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल पे ह्यूमन इंटरेक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ई कॉमर्स साइट्स द्वारा नॉन एसेंशियल सर्विसेज को स्टार्ट करना भी कंपलसरी था, है ना. द फैक्ट दैट द लॉकडाउन इज एम्ड एट रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट टू द बेरेस्ट मिनिमम इन अंडर और ऑर्डर टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नेसेसिटीज लिमिटेड लिमिटिंग एग्जेम्पशंस. तो अभी लॉकडाउन का हमारा जो एम है, फैक्ट ये है कि हमारा लॉकडाउन का एम क्या है, जैसे कि हम मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकें, हम लोगों को रोक सकें वो सारे गैदरिंग से या इंटरेक्शन से, तो उसके लिए अभी एक कदम उठाना ज़रूरी था, है ना. एड विथ नॉन एसेंशियल आइटम्स रैंकिंग फ्रॉम अपैरल टू बुक्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बल्क ऑफ द लिस्टिंग ऑन ई कॉमर्स साइट्स. देख अभी लास्ट लॉकडाउन के पीरियड में देखा गया है कि ई कॉमर्स साइट्स पर मैक्सिमम लेवल पे जो लिस्ट किए गए हैं, मतलब ऐड टू कार्ट किया गया है, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे जो डिमांड आ रही है वो उन चीज़ों की जो नॉन एसेंशियल है, जैसे बुक्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, होम अप्लायंसेस हैं, इन सब की बहुत ज़्यादा बल्क में डिमांड आई है. तो इन सबको फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी था कि ई कॉमर्स के अंदर नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स को भी अनुमति दी जाए, है ना. फ्रॉम अ क्योंकि ये एक ऐसी चेन है जो प्रोड्यूसर से सप्लायर तक चेन बंधी हुई है, उस चेन के तहत एक्टिवेटेड लोग ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है. ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, एडिशनल डिलीवरी पर्सनस और प्रोड्यूसर और सप्लायर, बस ये चार लोग हैं. उन चारों के बीच में एक चेन बंधी हुई है, उसके तहत कार्य किया जाएगा, है ना. टू बी श्योर गिवन द इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद द शटडाउन स्पेशली टू इंडिविजुअल लाइवलीहुड्स, इट वुड सीम्स अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट दैट एज मैनी सेक्टर्स एंड जॉब्स कैन बी अलाउड टू रीओपन विद स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड मैंडेटेड और टू बी परमिटेड टू डू सो इन अ फेज्ड मैनर. काफ़ी सारे जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इकोनॉमी को वापस देखिए ट्रैक पे लाने के लिए वी हैव टू टेक स्टेप्स. ऐसा ये भी ज़रूरी है कि लोगों को, स्पेशली जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जॉबलेस हो गए हैं, उनके लिए हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है ओपन करना होगा. क्यों करना होगा, जॉब्स को ओपन करना होगा, रीओपनिंग करनी होगी. बिकॉज देखिए लॉकडाउन या हम कह सकते हैं कोरोना एज अ थिंग एक पेंडेमिक है, जिससे कि ओवरकम करने के लिए वी नीड सम टाइम. इसे एक ही रात में ओवरनाइट ओवरकम नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए. एक कुछ ही दिनों में हम सोचेंगे कि लॉकडाउन का सेकेंड फेज़ ख़त्म होते ही ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता. COVID-19 को ख़त्म होने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए, और उस लंबे टाइम तक हम इकोनॉमी को इस लेवल पे शटडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इवन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक एस्पेक्ट और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो क्लियरली अब ऐसा कहा गया है सरकारों द्वारा या ऐसे ओपिनियंस दिए गए हैं कि मार्केट को या जॉब्स को एटलीस्ट सेक्टर्स को, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ लेवल तक ओपन कर देना चाहिए, एक बिल्कुल फेज्ड मैनर में, डिफरेंट फेसेस के अंदर, है ना, जिससे कि और स्ट्रिक्टनेस के साथ, जिससे कि कुछ इश्यूज़ क्रिएट ना हो, अदर इश्यूज़ या COVID-19 का जो एक, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, वो सब वेन ना हो, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में वी हैव टू स्टार्ट ऑल दीज एक्टिविटीज़. क्लियरली दैट वाज द अंडरलाइंग रेशनल बिहाइंड द सेंटर्स अप्रैल 15 मैसिव एमंग द सेक्टर्स दैट कैन रिज्यूम आर एग्रीकल्चर,
एंड हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज, बैंकिंग, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल। 15 अप्रैल को ये गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत क्या क्या सर्विसेज जो है स्टार्ट कर दिए जाएंगे। एग्रीकल्चरल सर्विसेज, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज अदर देन दिस बैंकिंग, कार्गो ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें पैकेजिंग मटेरियल भी इंक्लूडेड है। ओके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर्स, इनको भी हैव बीन अलाउड टू रिज्यूम वर्क। दे वर्क टू अनेबल टू अप्लाई देयर ट्रेड्स इफ देयर कस्टमर्स आर अनेबल टू फर्निश द रिलेवेंट मटीरियल एट द वर्क साइट, बिकॉज द शॉप्स एंड ई कॉमर्स फर्म्स सेलिंग दोज नॉन एसेंशियल गुड्स आर येट टू रिज्यूम ऑपरेशन। अब देखिए, क्योंकि 20th से हमने देखा कि 20th से प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इनके भी काम को स्टार्ट कर दिया गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एट प्रेजेंट इनको अलाउंस देने का जो रीज़न था वो ये था कि ये लोग वापस जॉब पर हो जाए, बिकॉज जॉबलेस हो चुके हैं, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने के कारण। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन चीज़ों से रिलेटेड है, जिन्हें फर्निश करने के लिए कस्टमर्स इन्हें बुलाते हैं या इनका इनका जो यूज़ होता है जिन चीज़ों में है, वो ई कॉमर्स के थ्रू ही परचेज कर सकते हैं आप। और ई कॉमर्स के अंदर नॉन एसेंशियल गुड्स जो है उसे अभी तक रिज्यूम नहीं किया गया। ऑर्डर इज़ गिवन कि आप रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसे सेलिंग जो है उन फर्म्स द्वारा नहीं की गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने वो सेक्टर ओपन कर दिया है जो विद इन 1 आवर आपके पास में आ सकता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है और एसेंशियल है, लेकिन वो सेक्टर आपने ओपन नहीं किया है जो नॉन एसेंशियल होते हुए भी जिसको परमिशन दे दी गई है, परमिट कर दिया गया है, लेकिन उसे वापस अपनी एक्टिविटीज़ में आने में अभी टाइम लगेगा, है ना। लॉस्ट हेयर दो इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ वॉट ऑट टू बी। अब बात ये देखने की है कि एसेंशियल है क्या, क्या एसेंशियल चीज स्लाइस के वो पैकेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस नॉन एसेंशियल। देखिए, नॉन एसेंशियल में क्या आता है, गैजेट्स या वो सारी चीज़ें जो कि फूड आइटम से रिलेवेंट या डेली यूज ग्रॉसरी से रिलेवेंट नहीं है, है ना। तो उसमें लैपटॉप्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, फ़ोन्स को भी कर सकते हैं। तो जो लोग अभी लॉकडाउन के दौरान घर बैठकर काम कर रहे हैं और जिनके लिए नेसेसिटी है, या हम कह सकते हैं बहुत एसेंशियल हो गया लैपटॉप, तो वो पर्सन ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करेगा अगर नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो आज के टाइम में अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो क्या डेफिनेशन है एक एसेंशियल प्रोडक्ट की या एक नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की। तो एसेंशियल में उसे डाला गया है जो कि चीज़ स्लाइस है, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और नॉन एसेंशियल में लैपटॉप्स को डाला गया है जो कि आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। सो ऑल्सो एज द लॉकडाउन, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है करीब एक महीना तक खींच लिया गया है, 3 मई तक गया है ये लॉकडाउन, ये पूरा महीना कवर कर लेगा। वॉट माइट हैव बीन नॉन एसेंशियल इनिशियली माइट टर्न एसेंशियल लेटर। जो अब तक नॉन एसेंशियल सर्विसेज कहलाती है, वो पॉसिबल है कि इस लॉकडाउन के बाद में या इस लॉकडाउन के दौरान एक एसेंशियल लिस्ट में आ जाए, है ना। स्टिल प्रोटेक्टिंग लाइव्स मस्ट अल्टीमेटली, फिर भी आज भी हमारा अल्टीमेटली जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हम लाइव्स को प्रोटेक्ट कर सकें COVID-19 से। इस लॉकडाउन के दौरान हमारी प्रायोरिटी लोगों को बचाने की, उनकी लाइव्स को सेव करने की, उन्हें प्रोटेक्ट करने की होगी ओवर अलाउिंग कमर्शियल एक्टिविटी इवन वेन द लाइन बिटवीन। अब ये क्योंकि ये हमें पता है कि ये बहुत ब्लर लाइन है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विसेज के बीच में, लेकिन उसके इन एक्टिविटीज़ के चलते हुए भी हमारा जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम लोगों को जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकें और किसी भी तरीके से लोगों को COVID-19 से बचा सकें। ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए और है भी, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने इतना लंबा लॉकडाउन फेस किया है, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ कंसर्न अबाउट आर हेल्थ एंड आर प्रायोरिटीज। ओके, सो हमारा आज का नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है की स्ट्रेटजी इज़ फिस्कल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट। क्या है ये फिस्कल एम्पावरमेंट? ही किसी भी स्टेट की, इवन सारे स्टेट्स की स्ट्रेटजी है।
द सेंटर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट विनिंग द वॉर ऑन COVID-19, कहीं ना कहीं COVID-19 जो है सेंटर को ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि इस COVID-19 की जो जंग है उसे जीतने का जो लिंक है वो स्टेट्स के पास में, और स्टेट्स के पास में इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड होना बहुत कंपल्सरी है. स्टेट्स के पास में अगर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे प्रॉपर रिसोर्सेज, तो हम ओवरकम नहीं कर सकते इस COVID-19 से. सो द स्केल ऑफ डिस्ट्रप्शन कॉज बाय द COVID-19 पेंडेमिक हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर. जैसा कि हमने अभी देखा, ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं, ये डैमेज जो है ये किसी भी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है, इवन वर्ल्ड वॉर से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम सेकेंड फेज का नेशनल लॉकडाउन फेस कर रहे हैं और कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा, कब हमें रिलीफ मिलेगा इन सारी चीज़ों से, इन सबसे कोई क्लैरिटी नहीं है. इसी बीच में स्टेट्स द्वारा और सेंटर द्वारा बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें दी जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली इन सब का भी एक लिमिटेड दायरा है, लिमिटेड एरिया है ना, बिकॉज स्टेट्स के पास में भी इतना बजट नहीं होता है कि वो इतना सारा पैकेजेस या इतना सारा फंड्स प्रोवाइड करवा सकें या इतनी रिलीफ वर्क को जो है प्रोग्रेसिव कर सकें. और स्टेट्स के पास में अगर फंड नहीं है तो उन्हें सेंटर से नीड होगी, और सेंटर एक पर्टिकुलर फंड तक ही स्टेट्स को प्रोवाइड करवा सकता है, बिकॉज सेंटर के पास भी अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा. देखिए हो क्या रहा है कि क्योंकि हम लोग टैक्सेस या हमारी जो हमारी तरफ से पब्लिक की तरफ से जो एक सर्कुलेशन चलता है, एक चेन बनी हुई है इकोनॉमिकली, इस चेन के तहत पब्लिक द्वारा जो पैसा जाता है वो गवर्नमेंट या जो प्राइवेट सेक्टर्स में जाता है वहाँ से सर्कुलेट होता हुआ रीजनरेट होता है. तो इस तरह की जो एक सर्कल जो चेन चलता है वो चेन अभी टूट चुकी है. अब जो सारा जो आउटपुट हो रहा है वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, गवर्नमेंट को कुछ भी इनपुट नहीं हो रहा है ना. इन सब के चलते हम लोग एक बहुत बड़े जो है खर्च, बहुत बड़े हमारे जीवन व्यापन के लिए एक बहुत बड़ा खर्च जो सरकार उठा रही है वो एक बहुत जो कह सकते हैं प्रिवेंटिव मैनर में हमें उसको अपग्रेड करना होगा, हमें उसके ऊपर वर्क करना होगा सेंटर और स्टेट को. अब COVID-19 तो प्रायोरिटी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी सिक्योरिटी पैकेजेस को, या हम कह सकते हैं फिस्कल एम्पावरमेंट को, फिस्कल पॉलिसीज़ को अपनाना होगा हमें, है ना. सो होपफुली देयर विल बी अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट एंड अपोर्शनिंग ब्लेम. ये बहुत देखिए मैं जब अपोर्शनिंग ब्लेमिंग क्रेडिट क्लेमिंग मैं कह सकती हूँ, ये सारी चीज़ें सुनकर ही समझ में आती है कि क्या है ये सारी चीज़ें. तो स्टेट और सेंट्रल या स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में ये जो ब्लेमिंग करने का एक सिस्टम चलता है या जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स चलते हैं अभी एट प्रेजेंट, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को साइड में रख के हमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाना होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, है ना. बिकॉज जो स्टेट्स जो सफ़र कर रहे हैं उसे सेंटर भी सफ़र कर रहा है, और इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करें, ठीक है. सो आइए बात करते हैं इसके बारे में. फोकस ऑन हेल्थ एंड इकोनॉमी. सबसे पहला तो सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो या स्टेट गवर्नमेंट ले लो, सबका जो फोकस है वो हेल्थ और इकोनॉमिक पे होना चाहिए, है ना. सो 2017-18 की अगर हम बात करें, पर कैपिटा टर्म्स द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एंड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ वेराइड फ्रॉम एन एबिसमल ऑफ रुपीज 619 बिहार एंड 814 इन उत्तर प्रदेश टू दी हाइएस्ट 2000. अब जो मेडिकल एक्सपेंसेस आए हैं, पब्लिक हेल्थ के जो एक्सपेंसेस आए हैं वो अब तक के सबसे हाइएस्ट एक्सपेंसेस रहे हैं. बिहार में पर हेड 690 एक्सपेंस रहा है, जबकि यूपी के अंदर 814, जबकि सबके सबसे हाइएस्ट जो एक्सपेंडिचर देखने को मिला है वो केरला के अंदर 2092 पड़ा है ना. दिस वन इज़ द हाइएस्ट वन. सो द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन, इज़ इनएडिक्वेटली फंडेड, माइक्रो मैनेज्ड with grants given under more than 2000 heads and poorly targeted. So the focus of Ayushman Bharat has been to advocate insurance rather than building wellness center. अब आयुष्मान भारत का जो focus होना चाहिए, जो आयुष्मान भारत scheme है, health scheme है, इसका focus क्या होना चाहिए? इसका focus होना चाहिए लोगों की इंश्योरेंस पर, लोगों को इंश्योर करना चाहिए उनकी हेल्थ को लेकर, ना कि उसकी हेल्थ पर खूब सारा लाइवली एक्सपेंसेस या लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे
देखिए वो सारा प्रोटेक्शन वो नीडेड है, उसे फैसिलिटेट करना होगा, लेकिन इकोनॉमी जब तक जनरेट नहीं होगी तब तक वो सारी चीज़ें भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और इकोनॉमी जनरेट करने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन इट, है ना। सो सरकार को स्टार्ट करना होगा, खरीफ फसल पर को टारगेट करना होगा क्योंकि सीजन है, उसके अलावा उस पे जो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं वो एक्सपेंड करने होंगे, वहाँ सारा खर्च करना होगा जो कि आने वाले टाइम में हमारे लिए इकोनॉमी जनरेट कर सके या हमारी फाइनेंशियल इश्यूज को क्लियर कर सके। केरला केम आउट विद द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अलोकेटिंग 20,000 करोड़ टू फाइट द पेंडेमिक। केरला जो है उसने जो पैकेज अलोकेट किया है वो 20,000 करोड़ रुपीज़ का है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव टेकन मेजर्स टू प्रोवाइड फूड टू नीड द अच्छा सारे स्टेट्स ने कोशिश की है अपनी तरफ से, सारा एफर्ट्स लगाया है कि उनके स्टेट्स के अंदर लोगों को रेवेन्यू से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा देखिए एक्सटेंसिव रेवेन्यू लॉसेस, काफ़ी रेवेन्यू लॉसेज हुए हैं कर्नाटका, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, इट इज़ रिपोर्टेड दैट एज अगेंस्ट द एस्टिमेटेड 12,000 करोड़ रुपीज़ हर महीने खर्च हो रहा है, जबकि स्टेट के पास में एक जो जनरेटेड द स्टेट में नॉट बी जनरेट जो हो रहा है, इकोनॉमी जो जनरेट होती है, पैसा जो जनरेट हो रहा है वो 300 करोड़ तक भी नहीं हो रहा है अप्रैल में। अप्रैल में 300 करोड़ रुपीज़ भी जनरेट नहीं हो पाए, जबकि जो एस्टिमेटेड जो खर्च आया वो 12,000 करोड़ का आया है ना। सो ये सारी इसको रिकवर करने के लिए हमें टैक्स रेवेन्यूज़ को ओपन करना होगा, हमें पॉजिटिव जो ग्रोथ है उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। नॉट सरप्राइजिंगली द स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू मोनेटाइज लैंड थ्रू ऑक्शंस। अब स्टेट ने, ये बहुत आश्चर्य की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टेट्स ने ये डिसाइड किया है कि वो सारा जो अधिकृत जमीन जो जब्त की जाती है सरकार द्वारा, या जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं उसके तहत जो फीसेज है उन्हें बढ़ा दिया गया है, और जो ज़मीनें उनके सरकार के पास में जब्त की पड़ी है उन सारी ज़मीनों को जो है ऑक्शंस में लगा दिया जाएगा, क्योंकि उससे जो पैसा आएगा वो सारा पैसा सरकार रिलीफ पैकेजेस में और इकोनॉमी जनरेट करने के लिए लगाएगी, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड ग्रोथ टू अचीव द बजट एस्टिमेट इज़ 33.3% ओवर द एनुअलाइज्ड एंड एक्चुअल कलेक्शन। हमारा जो एनुअलाइज्ड एक्चुअल कलेक्शन है उसके बजट की अगर बात करें तो ये हम अपने ओवरऑल बजट को जो एस्टीम हमने जो एस्टिमेट बनाया था उसका करीब 33.3% तक ही हम ओवरऑल एनुअलाइज कर पाएंगे कलेक्शन को। द प्रोजेक्शंस आर दैट द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल GDP इन 2020-21 विल बी जस्ट अबाउट 4%। हमारी जो ग्रोथ होगी वो सिर्फ 4% तक की होगी 2021 के दौर में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दिस रिजल्ट इज़ द लॉस ऑफ 9,173 करोड़। स्टेट्स को भी बहुत लॉसेज हुए हैं, और जो फिनेंशियल कमीशन द्वारा जो एस्टिमेट बनाए जा रहे हैं उसके तहत स्टेट्स को कैसे लॉस होगा, देखो तमिलनाडु को 9,173 करोड़ का लॉस होगा, जबकि आंध्र प्रदेश को 9,000 का, कर्नाटका को 8,000 का, तेलंगाना को 4,671 का, जबकि केरला को 4,255 करोड़ का। तो ये सारे लॉसेज भी स्टेट गवर्नमेंट्स को देखने पड़ेंगे और ओवरकम करना होगा। द वॉर ऑन COVID-19 कैन बी इफेक्टिवली वॉन ओनली वेन द स्टेट्स। अब इस सारी जंग से हम कब जीत सकते हैं, ये सारे जो डेफिसिट्स हैं या ये हम कह सकते हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो इश्यूज फेस कर रही है उन सबको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, तभी ओवरकम किया जा सकता है जब स्टेट्स जो है वो अपने इनफ रिसोर्सेज को इस क्राइसिस से मीट करने के लिए, इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए यूज़ करें, उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबको यूज़ करें, है ना। देयर बोरोइंग स्पेस टू इज़ लिमिटेड। अच्छा स्टेट्स जो है वो पैसा भी एक लिमिट तक बोरो कर सकती हैं, है ना, उनके ऊपर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के कारण। एंड बजट मैनेजमेंट लिमिट ऑफ 3%, और बजट मैनेजमेंट की जो लिमिट है वो भी 3% है, जो कि स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब GSDP का भी 3% ही है जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, बजट मैनेजमेंट लिमिट। तो इसके तहत स्टेट भी कहीं ना कहीं बंधे हुई है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हुए चल रही है, लेकिन उनके पास में इतने इनफ मीन्स एंड वेज नहीं है कि वो इसको आगे बढ़ा सके। इस सारे ये जो प्रोसीजर चल रहा है लॉकडाउन का और जो एक्सपेंसेस चल रहे हैं, अब स्टेट्स अपने हाथ ऊपर कर रही है, स्टेट्स कह रही है हमारे पास में इतना इनफ फंड नहीं है, तो अब ये टाइम है जब सरकार को वो स्टेप्स लेने होंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो स्टेप्स लेने होंगे जो कि उनके लिए यूज़फुल है इकोनॉमिक जनरेट करने में, है ना, फिस्कल जो है उसको, फिस्कल पॉलिसीज को टारगेट करना होगा।
सो ये इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो एडिशनल बोरोइंग प्रोवाइड करवाए 2% तक जीएसडीपी को, इसके अलावा जीएसडीपी को 3% तक प्रिवेल करे। तो ये सारी पॉलिसीज इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द टाइम टू फिस्कली एम्पावर स्टेट्स, स्टेट्स को फिस्कली एम्पावर करने का टाइम है, टू वेज दी कोविड-19 वॉर एंड ट्रस्ट दैम टू स्पेंड ऑन प्रोटेक्टिव लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। उन्हें इतना विश्वास दिलाया जाए कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है बहुत वर्क कर रही है, तो उन्हें भी रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेज प्रोवाइड करवाए और उन्हें फिस्कल एम्पावरमेंट के लिए प्रोत्साहित करे, और साथ ही इस कोविड-19 से लड़ने के लिए उन्हें एक ट्रस्ट प्रोवाइड करवाए, है ना, जिससे कि वो लोगों को इकोनॉमिक रिकवर करते हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, चाहे वो फूड फैसिलिटी है चाहे कोई और फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा एक आर्टिकल है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ये आर्टिकल आप घर से डिस्कस करेंगे और मुझे क्वेरी बॉक्स के अंदर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे क्वेरी पुटअप करेंगे, इवन मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी, है ना, फ्यूचर शॉक्स से रिलेटेड। ये फ्यूचर शॉक्स, अब इसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी, आपको होमवर्क है ये आपका, दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस आर्टिकल और आपको पढ़ना है, आपको समझना है। मैं कमेंट सेक्शन में इवनिंग तक आपसे क्वेश्चंस पुटअप करूंगी और यू हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। बहुत एंड तक बहुत एक आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। मैं चाहूँगी आप फिर से एक बार इनका ओवरव्यू लें और इन्हें एक बार फिर से रिवाइज़ करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे पीटी या मेंस के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करता है ये आर्टिकल। ठीक है, आज का एडिटोरियल या आज का जो न्यूज़पेपर है सारा ही सेक्शन। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, दिस वाज आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।